हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। हमने लास्ट चैप्टर में बच्चे देखा था क्लोज पैकिंग के बारे में, है ना। अब हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। स्पेशली हम लोग डील करेंगे वर्ड्स को। तो आपको याद होगा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जब मैंने डिस्कस करा था, या कहें एफसीसी जब मैंने डिस्कस करा था, वहां पर देखा होगा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब था तो बहुत सारे स्फीयर्स एक दूसरे से टच कर रहे थे, बट उनके बीच में कुछ एक जगह खाली जगह बच जा रहा था ना, वैकेंट स्पेसेस बच जा रहे थे। एक्चुअली वही सारे वैकेंट स्पेसेस को हमने वर्ड कहा। थोड़ा बहुत आइडिया हमें टेट्राहेड्रल वर्ड या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड का इसके पहले वाले वीडियो में मिल चुका है। अब हम लोग उनको थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। वैसे एनसीईआरटी ने मतलब इन्हीं दो वर्ड्स के बारे में, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर ही ज्यादा फोकस करा है, बट वर्ड्स और भी हैं और हम लोग उन सबको रेडियस रेशियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अर्लियर इन द सेक्शन वी हैव लर्न्ड दैट व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज पैक रिजल्टिंग इन आइदर सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर जनरेटेड। व्हाइल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट इन द लैटिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक पार्टिकल्स। हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर उतना ही था जितना की टोटल लैटिस साइड्स थे, या ये कहें टोटल लैटिस साइड्स के वजह से जितने स्फीयर जनरेट हुए। एफसीसी में हमने देखा था नंबर ऑफ लैटिस साइड्स 4 हो गए थे, मतलब 1 टोटल कॉर्नर्स के वजह से कंट्रीब्यूशन और 6 सेंटर के वजह से कंट्रीब्यूशन, 3 टोटल 4 हो गए थे। इस केस में ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का नंबर होगा वो भी बिल्कुल उतना ही होगा, मतलब कि 4 होगा। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जनरेटेड इज ट्वाइस दिस नंबर। ये बात हमने पहले ही देखा था कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर होगा वो लैटिस साइड्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स होगा। तो अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हैं वो 8 हो जाने। ये कैसे होंगे और किस पर्टिकुलर जगह पर होंगे इनका हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इन आयनिक सॉलिड्स, अब ये पार्ट जो है आयनिक सॉलिड्स इसने लिख रखा है, इसका एक इम्पोर्टेंस ऐसे आप समझ सकते हो। देखो जो कैटायंस होते हैं उनका साइज जो होता है काफी छोटा होता है विद रेस्पेक्ट टू एनायन। आपको पता है एक एटम है, मान लीजिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड किया गया तो उससे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव जब कम हो जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत अच्छे से पुल नहीं कर पाएगा, और इसका रिजल्ट क्या देखने का मिलेगा कि जो एनायन होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर कैटायन की बात करें तो कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है एक एटम से। जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो क्या होगा, उसका रिजल्टेड जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट घट जाना है। तो जेड इफेक्टिव जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये जो वर्ड्स का यूज मैक्सिमम हम लोग देखेंगे वो आयनिक सॉलिड्स में ही देखेंगे। होगा ये कि जब पैकिंग अच्छा से करना होगा तो हम लोग एनायंस को लैटिस साइड्स में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि लैटिस साइड्स का पोजिशन बड़ा है, ज्यादा जगह वहां पर चाहिए, क्योंकि वर्ड्स जो है उनका साइज आपने देखा था छोटा था, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, कैटायंस ऑक्युपाई कर देंगे। तो हमारा ये जो है एक एफिशिएंट पैकिंग हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो, अगर आपको एक जार को पैक करना है विद सम लड्डूज एंड ड्राई फ्रूट्स, है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लड्डू डालोगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है। अब लड्डू से पूरा जार जब भर जाएगा तो उसके बीच में कुछ कुछ खाली जगह भर जाएगा, तो ऐसा केस में आप क्या करोगे, उस पर ड्राई फ्रूट्स डालोगे। तो ड्राई फ्रूट्स डालोगे तो वो जो वैकेंट स्पेसेस है वो भी भर जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उस जार का एक एफिशिएंट यूज कर पाओगे, मतलब उसमें बहुत ही कम जगह खाली होगा। वही चीज आगे लिखा होगा, यहाँ देखते हैं। इन आयोनिक सॉलिड्स द बिगर आयन्स यूजुअली एनायंस, आपको बताया था जो बिगर आयन्स होंगे वो एनायंस होंगे। फ्रॉम द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड द स्मॉलर आयन्स यूजुअली कैटायंस ऑक्युपाई द वर्ड। तो ये जो बिगर आयन्स थे एनायंस वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में होंगे, जबकि जो स्मॉलर आयन्स हैं वो क्या करेंगे, वर्ड्स में जाएंगे। अब आपको पता है ये वर्ड्स एक्चुअली बहुत टाइप पर का होगा, बट एनसीईआरटी ने फोकस करा है टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर। इफ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ देन टेट्राहेड्रल वर्ड आर ऑक्युपाइड। एक्चुअली ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड होता है इसका साइज ऑक्टाहेड्रल वर्ड के रेस्पेक्ट में कम होता है, ठीक है, और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं अगर काफी छोटा ये जो कैटायन का साइज होगा तो टेट्राहेड्रल वर्ड में जाएगा, और वहीं कहीं अगर थोड़ा बड़ा होगा, इफ बिगर देन ऑक्टाहेड्रल वर्ड,
और उस केस में ऑक्टाहेड्रल वॉयड पर ये जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉयड का साइज जो है ना वो टेट्राहेड्रल वॉयड के साइज से रेस्पेक्टिवली थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट बोल रहा, नॉट ऑल द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉयड्स आर ऑक्यूपाइड, बट सारे के सारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉयड्स जो है ये ऑक्यूपाई नहीं होंगे। इन अ गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉयड्स दैट आर ऑक्यूपाइड डिपेंड अपॉन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये आगे जो एग्जाम्पल होगा उसमें डिस्कस हो जाएगा ये सारा बात, बट मैं यहाँ बता दूं ये केवल हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे वर्ड्स भरे पड़े होंगे, ये डिपेंड करेगा उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। हमें ये बात याद रखना है कि हमें प्लेस कैटायंस और एनायंस को कुछ ऐसे करना है कि उसका स्टोचियोमेट्रिक जो रेशियो होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को ले लें, यहाँ से हमें ज्यादा आसानी से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, अगर दो एलिमेंट है एक्स और वाई, एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई एज एनायन, वाई को हमने एनायन बना दिया तो पक्का बात है ये एनायन जो है ये लैटिस साइट में जाएगा, है ना, मेक सीसीटी, अगर सीसीटी होगा तो आपको पता होगा लैटिस साइट टोटल मिला के नंबर ऑफ स्क्वायर चार हो जाने, एक कंट्रीब्यूशन पूरा आपका कॉर्नर के वजह से और फिर आपका क्या होगा फेस सेंटर के वजह से, है ना। एंड दोज ऑफ एक्स कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉयड्स, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉयड भी उतने ही होते हैं जितने की आपका नंबर ऑफ लैटिस साइट्स होते हैं, तो इसका मतलब अगर ये 4 है वाई 4 है तो एक्स भी 4 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच आप रेशियो निकालो तो एक्स 4 वाई 4 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब इनको अगर आप सिंपल रेशियो में बोल दो तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो मॉलिक्यूल मोस्ट प्रॉबली एक्स वाई हो जाना है ना, जो कि हमें आगे नजर आएगा एक्स वाई मॉलिक्यूल, आप देखोगे मॉलिक्यूल एक्स वाई। अब उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग करेंगे बट फिलहाल कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, है ना। थ्योरी पार्ट ये बोल रहा है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉयड। अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये जो एफसीसी टाइप पर का हमने पैकिंग ले रखा है इसमें टेट्राहेड्रल वॉयड और ऑक्टाहेड्रल वॉयड कहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉयड, ये जो टेट्राहेड्रल वॉयड होंगे ये कहाँ पर होंगे। तो बोला लेट अस कंसीडर अ यूनिट सेल ऑफ सीसीपी और एफसीसी लैटिस, द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स, देखते हैं नीचे। तो कोई एक यूनिट सेल इसने ले रखा है और उस यूनिट सेल को इसने 8 पार्ट में डिवाइड किया, आप देख रहे हो ये बड़ा सा यूनिट सेल नजर आ रहा है और इसको इसने 8 पार्ट में बढ़िया से डिवाइड भी किया हुआ है। देखो ये 8 पार्ट में नजर आ रहा होगा, ये बाहर वाला मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये बाहर वाला जब मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर डैश डैश करके लाइन भी अरेंज दिया हुआ है, ये एक यूनिट सेल हो गया मान लो, है ना, ये यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल को देखो वापस इसने डिवाइड किया, देखो अंदर भी इसने लाइन ड्रॉ किया हुआ ना, यहाँ पर अंदर भी लाइन ड्रॉ किया हुआ। अब सोच लो ये जो यूनिट सेल है बच्चे, इस यूनिट सेल में क्योंकि इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, देखो ये फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये उसी तरह बैक वाला पार्ट, मैं यहाँ पर स्पॉटलाइट ले लूं, ये देखो ये फ्रंट वाला पार्ट, ये बैक वाला पार्ट, फ्रंट बैक, ये फ्रंट 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 फ्रंट, मतलब ये वाला पार्ट जो है फ्रंट है, ये देखो 4 पार्ट फ्रंट पे नजर आ रहा है ना, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ज्यादा आसानी से तुम्हें नजर आएगा, ये देखो ये मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखो फ्रंट में ये 4 यूनिट सेल हो गए और उसी तरह सोच लो इसके पीछे 4 यूनिट सेल हो गए। अब उसमें से एक पार्ट को इसने यहाँ निकाल दिया है, ठीक है, अब इसके बारे में क्या कुछ बोल रहा हूँ उस चीज को देखते हैं। Each small cube has atoms at alternate corners. बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये सारा मान लो ये फ्रंट फेस की बात करो, फ्रंट फेस में देखो ये अब अल्टरनेट कॉर्नर पे नजर आ रहा और उसी तरह बैक फेस में ये अल्टरनेट कॉर्नर पे नजर आ रहा है ना। इन ऑल ईच स्मॉल क्यूब हैज 4 एटम्स, सारे जो स्मॉल क्यूब है उसमें 4 एटम्स है ना। When joined to each other, they make a regular tetrahedron. और अगर उनको आपस में ज्वाइन करोगे तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रोन का फॉर्म करेगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो टेट्राहेड्रल वॉयड होगा ना ये इनके बीच कहीं पर यहाँ लाई करेगा। एक्चुअली सोच लो अगर इन सबको आप एक्सक्लूड करोगे ना, इनको बड़ा बड़ा स्फीयर बनाओगे तो आपस में जब ये टच करने लगेंगे तो उस केस में बीच में एक वॉयड का जनरेशन होगा और वो जो वॉयड होगा वो 4 स्फीयर से घिरा हुआ होगा, इसलिए उसको हमने टेट्राहेड्रल वॉयड के नाम से जाना। Thus there is one tetrahedral void in each small cube and 8 tetrahedral voids total. तो आपको पता है ये जो complete cube था इसको हमने 8 part में divide किया था, 4 front and 4 back. तो
सब में अगर एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह से सोचेंगे तो ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया था इस कंप्लीट क्यूब को। अब आप इसको थोड़ा और इमेजिनरी ऐसे सोच सकते हो, मान लो आप किसी रूम में हो फिलहाल, आप क्या करो अपने रूम का ये जो फ्रंट वाला टॉप कॉर्नर है उसके बारे में थिंक करो, इमेजिन करो, थोड़ा मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को इमेजिन करो। वो जो कॉर्नर है उसको बनाने के लिए 3, एक्चुअली मान लो आप अपने रूम का ये वाला कॉर्नर रिज्यूम कर रहे होंगे तो उसको बनाने वाले 3 प्लेन्स होंगे। एक आपका रूफ, ये मान लो रूफ है, ये आप उस साइड वाला कॉर्नर है, और एक उस साइड वाला कॉर्नर, ये पीछे सॉरी एक ये वाला वॉल है, साइड वाला वॉल है, और एक पीछे वाला वॉल है। तो देखो इन तीनों से मिलकर बनने वाला ये जो कॉर्नर है वो ये है। एक्चुअली अगर बात करें तो इन तीनों फेस का, ये जो फेस सेंटर है ना, इन तीनों फेस का मतलब बैक वाला फेस, टॉप वाला फेस, और ये साइड वाला फेस, राइट साइड वाला फेस है ना, इन तीनों फेस सेंटर और ये जो कॉर्नर, इन सबको मिलाओगे मतलब इन तीनों फेस से मिलने वाले ये जो कॉर्नर है इस पर भी एक स्फीयर होगा, तो इन सबको जब मिलाओगे तो उनके बीच में एक स्पेस ऐसा होगा जो कि आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, जो खाली जगह होगा और जो कि 4 स्फीयर से घिरा होगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आते हैं, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस होता है बच्चे, सोचो तो याद करो एक क्यूब का जो डायगोनल होता है, एक क्यूब का डायगोनल आपको अगर याद आ रहा होगा तो वो कितना होता है, आपको याद आ रहा होगा √3 ना। अगर मान लो ये क्यूब पर का जो साइड लेंथ है अगर मान लो वो a है तो आई थिंक इसका डायगोनल जो होगा वो √3 होगा, आपको याद आ रहा होगा। अब ऐसे सोचो अगर मान लो इसका डायगोनल √3 है, ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन होगा वो एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, तो मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता हूँ। उसका एग्जैक्ट लोकेशन सोचो, मैंने यहाँ पर एक बॉडी, ये जो है बॉडी सेंटर के लिए मैं एक पॉइंट दे दिया हूँ, है ना, तो एक्चुअली क्या होगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन ये बॉडी सेंटर और ये जो कॉर्नर, ठीक है, इसके एकदम से बीच में होगा। मतलब आपको पता है ये जब कंप्लीट डायगोनल कितना हो गया √3, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3a/2, मतलब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, राइट, अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो √3a/2 वहां का डिस्टेंस हो जाएगा। जबकि अगर मान लो आप डिस्टेंस की बात करोगे, अगर मान लो यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस आपको देखना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा ये √3a/4 आ जाएगा बच्चे। मतलब ये डायगोनल को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और 4 पार्ट। और अगर ये बॉडी डायगोनल में बोलो तो देखो एक बॉडी डायगोनल में एक ये इस लोकेशन पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और एक इस लोकेशन में टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, मतलब 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। और कॉर्नर से इसका जो लेंथ होगा ना बच्चे वो √3a/4 कितना हो जाएगा, 4, √3a/4 हो जाएगा कॉर्नर से इसका डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ऐसे सोचो टोटल मिला के कितने सारे बॉडी डायगोनल होंगे, तो टोटल बॉडी डायगोनल अगर बात करो तो बॉडी डायगोनल सोचो तो अपोजिट कॉर्नर, ये चारों ऊपर वाले जो कॉर्नर है उनको डायगोनली बॉडी के अपोजिट कॉर्नर से मिलाओगे तो 4 हो जाएंगे। तो चारों में हर एक बॉडी डायगोनल में तुम्हें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आ रहे, मतलब कि इन सब में मिला के कितना हो जाएगा, इन सब में मिला के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या कुछ है, अब हमें ये देखना है कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ पर होंगे। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, लेट अस अगेन कंसिडर अ यूनिट सेल ऑफ सीसीपी और एफसीसी लैटिस, द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब सी इज नॉट ऑक्यूपाइड। जो ये बॉडी सेंटर होता है उस केस में आपको पता है क्योंकि फेस सेंटर में स्फीयर है तो बॉडी सेंटर जो है वो वैकेंट है, वो ऑक्यूपाइड नहीं है। बट इट इज सराउंडेड बाई 6 एटम्स ऑन फेस सेंटर, बट ये जो बॉडी सेंटर है वो फेस सेंटर के जितने सारे एटम्स हैं, मतलब टोटल 6 फेसेस हैं और 6 फेस सेंटर एटम्स हैं, तो उनसे वो ऑक्यूपाइड है, उनसे घिरा हुआ है। एक्चुअली वो जो वॉइड बनेगा वो 6 स्फीयर से घिरा हुआ होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा वो एक तरह का ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने वाला है। इफ दीज फेस सेंटर्स आर जॉइंट एन ऑक्टाहेड्रॉन इज जनरेटेड, अब अगर इन फेस सेंटर को आप ज्वाइन करोगे तो एक ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। दस द यूनिट सेल हैज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। मैं आपको 3D रिप्रेजेंट कर दूंगा ये एक्चुअली कैसे होगा, राइट। तो
उसके बीच में बॉडी सेंटर में हम लोग बोल सकते हैं एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, और उसका कंट्रीब्यूशन आपको पता है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन का मतलब वन हो गया, है ना। बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड एट द सेंटर ऑफ ईच 12 एजेस। इसने बोला है कि हर एज के बीच में एज सेंटर जो होगा वो भी एक तरह का ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। यहाँ पर से आपको शायद पता नहीं इस डायग्राम से उतना समझ में आएगा या नहीं, एज सेंटर के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये एज सेंटर है, देखिए यहाँ पर बॉडी सेंटर में कुछ भी नहीं है, खाली है, और वहीं एज सेंटर भी आपको दिख रहा होगा कि वैकेंट है। तो ये जो एज सेंटर है, कोई भी एज सेंटर की बात करें, आप ये एज सेंटर ले लो, कोई सा भी एज सेंटर ले लो, ये सारे एज सेंटर भी एक तरह के ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। तो यहाँ पर इस फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना उतना मुश्किल सा लग रहा मुझे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं थ्री डायमेंशनल वो स्ट्रक्चर है वही मैं दिखा देता हूँ, तब आपको आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा, राइट। ये आपको 3D स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा फेस सेंटर पर का। तो फेस सेंटर का 3D स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ये कॉर्नर पर के जो स्फेयर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये जो कॉर्नर पर के स्फेयर है वो देखो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो वर्ड, यहाँ पर ये जो खाली जगह बच रहा बच्चे, ये एक वर्ड का काम करेगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक वर्ड का काम करेगा। आपको देखना है यहाँ पर स्पेस रिलेटिवली कम बच रहा विथ रेस्पेक्ट टू ये जो जो लैटिस साइड्स हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो ये वर्ड को हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्यों बोला। जैसे ये वर्ड हो गए, आप देख लो इन सबको हम लोग एज सेंटर बोलेंगे, ये सब जो है वो एज सेंटर है। तो ये एज सेंटर को मैं बोल रहा हूँ ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, आप उसको कैसे समझोगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मैंने ये बताया था कि वैसा वर्ड जो कि 6 स्फेयर से मिलके बना होगा, मतलब कि जिसको 6 स्फेयर जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहे होंगे। सोचो आप कि यहाँ पर ये जो स्फेयर है, आपको तो यहाँ पर 3 तो ऐसे ही दिख रहा है, एक स्फेयर मान लो ये है, एक स्फेयर ये नीचे वाला है, और एक स्फेयर ये फेस सेंटर वाला है। तो आपको ऐसे ही दिख रहा, मान लो इस साइड भी एक यूनिट सेल होगा बच्चे, और इस साइड एक यूनिट सेल होगा, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर भी तो एक स्फेयर होगा, यहाँ पर भी एक स्फेयर होगा। तो देखो 1, 2, 3 और इस साइड अगर एक होगा तो टोटल मिला के 4 हो गए। इसी तरह आप देखो ये जो स्फेयर है इसके पीछे भी एक स्फेयर, ये ब्लू वाला स्फेयर जो आपको नजर आ रहा है, तो टोटल मिला के ये क्या हो गया 1, 2, 3, और इस साइड एक स्फेयर हो गया 4, और ये जो ब्लू वाला स्फेयर है वो 5 हो गया। उसी तरह जैसे इस पॉइंट के पीछे एक स्फेयर हो, सोचो तो इसका फ्रंट पर भी तो एक यूनिट सेल होगा जो कि इस स्क्रीन के ऊपर ठीक आपके साइड में होगा। तो टोटल मिला के आप देख सकते हो 6 स्फेयर उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो वर्ड है बच्चे, इस टाइप पर के वर्ड को आप क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब आपको पता है अगर ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन गया सारे एज सेंटर पर का, अब ये ध्यान देना है कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक स्फेयर में कितना है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर मान लो हमने एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया है ना, अगर इस जगह हमने एक स्फेयर ड्रॉ किया तो इस स्फेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना है वो हमें जानना पड़ेगा। चलो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया, मान लो यहाँ पर ये जो वर्ड है इस वर्ड को ध्यान दो, तो ये एक यूनिट सेल यहाँ पर बना रखा है, उसी तरह एक यूनिट सेल इस साइड राइट साइड में होगा, तो 2 यूनिट सेल यहाँ पर हो गए। सोचो तो इसके ऊपर फ्रंट पे भी तो एक यूनिट सेल होगा जिसका कि ये कॉमन सा पार्ट हो जाएगा ये वाला साइड, उसी तरह यहाँ इसके ये जो यूनिट सेल इसके ऊपर भी एक होगा, उसका भी ये कॉमन सा पार्ट हो जाएगा। तो टोटल मिला के ये जो आपका ये जो सेंटर एज सेंटर है, तो एज सेंटर 4 यूनिट सेल को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर एक एज सेंटर 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा तो एक के वजह से उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/4। और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ये एजेस कितने हो जाते हैं, 12। तो 12 × 1/4 है ना, 12 × 1/4 कितना हो जाना है बच्चे, 12 को आप अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3, ठीक है। और एक कंप्लीट कंट्रीब्यूशन आपने देखा था बॉडी सेंटर के वजह से, बॉडी सेंटर में भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड था, उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन 1, तो टोटल मिला के 4 हो जाएगा। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ये स्फेयर्स भी 4 हो गए थे
और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितने हो गए, 4, है ना। अब आप इसको थ्री डायमेंशनली और ज्यादा बढ़िया तरीके से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, राइट। तो देखो जैसे आप स्फेयर करो, देखो ये यहाँ पर मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर है, है ना, इस पर्टिकुलर जगह वर्ड है। तो देखो एक दो ये तीन चार, ये फ्रंट पे एक होगा और बैक पे होगा। अब देखो ये जो वर्ड्स हैं, है ना, ये जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तो सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे बच्चे। और एक्चुअली एक स्फीयर में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 का ही है ना। तो 1/4 यही मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये 1/4 इंटू टोटल नंबर ऑफ, आपको पता है एजेस 12 है, तो 1/4 इंटू 12 दैट इज 3। और एक्चुअली आपको देखो ये फेस सेंटर पर के जो दिख रहे हैं, फेस सेंटर के एकदम बीच पे सोचना है, फेस सेंटर के बीच में एग्जैक्टली इनके बीच में तो खाली जगह है, देखो आप यहाँ पर। तो ये जो खाली जगह है वो भी एक तरह का तो वर्ड ही है, और कैसा वर्ड है वो वर्ड जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है बच्चे, क्योंकि उसको 6 फेस सेंटर वाले ये जो स्फीयर है वो सर्कमस्क्राइब किए हुए, और उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो भी कितना हो जाएगा, तो भी 4 हो जाएगा, राइट। अब लोग नेक्स्ट आते हैं पीडीएफ पे। तो देखो आपने देखा यही सारा कि सारे के सारे एज सेंटर, ये देखो एज सेंटर, तो एज सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गया। वहीं पर आप देखो एक बॉडी सेंटर में ये वाला जो पार्ट है ये भी एक तरह का ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन, राइट। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर उतना ही जितना कि फेस सेंटर, है ना। दस देखिए इसका कैलकुलेशन भी दिखा रखा है। दस इन क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल वर्ड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, उसके वजह से 1 एंड 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड लोकेटेड एट एज एंड शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 1/4 एंड दैट इज 3। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाने, 4। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हो कि जितने नंबर ऑफ लैटिस साइट्स थे, जितना कंट्रीब्यूशन स्फीयर का था, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड का भी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन उतना ही, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर